मैं बन जा रहा हूँ दही के बल्ले। बोलती है ये है ब्रेड और ये है पानी। ऐसे इसी बस वहीं रखा रखा बेटा। और ये है दही, ये है बाउल्स, ये ड्राई फ्रूट्स और ये बना हुआ जीरा, ये इमली की सॉस, ये नमक और ये लाल मिर्च पाउडर। अब स्टार्ट करेंगे। प्लेट में रख के वहीं 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 प्लेट में रखो। गणेश का एक प्लेट और लेके उसके लिए। इसको पहले इसे पानी पानी से स्प्रे करो उसको। ऐसा नहीं बाबू, ऐसे अच्छा हाँ इसको स्प्रे करो। स्पून से थोड़ा सा पानी ऐसे फिलो पूरा थोड़ा 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 बच्चे। बोलते भी है बोलो। ये है काजू, अब मैं ब्रेड में डालूंगा। और डालो थोड़ा सा किशमिश भी डालो। ये है किशमिश, रेजिन्स एंड कैशियोस। अब मैं से चलो करो फोर मकर एक मिनट। ब्रेड रोल की तरह करना है एकदम बंद इसे। ये नो फायर डिश है और ये बहुत इजी है बनाने में। चलो ऐसे दूसरे को करो। सो ऐसे ही हम और भी ब्रेड जितने भी आपको चाहिए वैसे ही कर लेना। फ्रूट्स आप कोई भी डाल सकते हो, हमने सिर्फ कैशियोज और रेजिन्स डाले हैं। आप आलमंड्स पिस्ताशियोज भी डाल सकते हो। स्टार्ट मत करना नहीं करना। सो हमने यहाँ पे दो प्लेट ब्रेड के भल्ले बना लिए हैं। आपको जितने चाहिए हो आप उतने बना सकते हो। हमने इसके ना ब्रेड जो थे उसके ना साइड्स निकाल दिए थे क्योंकि फिर ये अच्छे तरीके से जॉइंट नहीं होता, मतलब सॉफ्ट नहीं हो पाता तो फिर वो जुड़ नहीं पाता, तो इसीलिए। और कलर भी अच्छा नहीं आता। सो फिर इसके अंदर हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सो बताते हैं कैसे क्या करना है। सो सबसे पहले दही मींस कर्ड अच्छे से डालेंगे। अच्छे से हम दही डालेंगे। मैं अभी डाल रहा हूँ। अरे इसको डिप करो अच्छे से। उसके ऊपर डाल बेटा जैसे हम नॉर्मल भल्ले बनाते हैं वैसे ही इसके ऊपर दही डालना है। एकदम ना जो बॉल्स है ना भल्ले की वो अच्छे तरीके से ना दही से कवर कर देना। क्योंकि जब इसमें पानी डालते हैं तो ये पूरा सॉगी हो जाता है, फिर दही नहीं होता तो टेस्ट गंदा सा आता है थोड़ा, इसीलिए। अब दही डालो। मैं इमली की सॉस डालने जा रहा हूँ। मींस सॉल्ट और टैमराइड सॉस। टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितनी आपको चाहिए हो।
अब मैं डालूंगा सॉल्ट सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. अब हम डालने जा रहे हैं रेड चिली पाउडर. ये भुना जीरा है पिसा हुआ एकदम पाउडर्ड. अब हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने अंडर डाले थे जैसे कि कैशियोज नट्स एंड दीज रेजिन्स. काजू तो डाल थोड़े से. ओके तो ये देखो हमने सारा ये डाल दिया है. अब हम दही के बदले खाने के लिए रेडी है. वेरी सॉफ्ट एंड टेस्टी.